दिग्गज अभिनेता इरफान खान 29 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 54 साल की उम्र में इरफान ने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांसें ली थी। जैसे ही इरफान के निधन की खबरें सामने आई तो बॉलीवुड शोक में डूब गया। इरफान खान की गिनती ऐसे कलाकारों में की जाती थी जिन्होंने हर किरदार को बखूबी निभाया था। इरफान खान की मेहनत और लगन का ये नतीजा था कि उनकी दमदार एक्टिंग का लोहा ना सिर्फ उन्होंने देश में मनवाया बल्कि विदेशों में भी। इरफान ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक नाम कमा लिया था। लेकिन अगर बात की जाए उनके करियर के बारे में तो शुरुआती दौर बेहद ही संघर्ष से भरा हुआ था। इरफान खान को ये पहचान इतनी आसानी से नहीं मिली थी। चलिए आपको बताते हैं इरफान खान की संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में। अपने शुरुआती करियर में इरफान ने कदम रखा था टेलीविजन की दुनिया में और टीवी पर उन्होंने कई शोज में काम किया जिनमें गिने जाते हैं चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात और चंद्रकांता। लेकिन इरफान को कोई खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद फिल्मों की दुनिया में इरफान ने कदम रखा और यहां पर भी उन्हें शुरुआत में पहचान नहीं मिली। फिर साल 1988 में फिल्म सलाम बॉम्बे से बड़े पर्दे पर कदम रखा लेकिन यहां पर उन्हें खास नोटिस नहीं किया गया। वहीं इरफान खान का बॉलीवुड में ना कोई गॉड फादर था और ना ही उन्हें किसी और का सपोर्ट था। जहां एक ओर उन्होंने टीवी की दुनिया से अपनी पहचान बनाई थी तो वहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई करने के बाद इरफान के सपने सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं थे। वो पूरी दुनिया भर में फेमस होना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। सीरियल्स में काम करने के बाद बड़े पर्दे पर कदम रखा सलाम बॉम्बे से, तो वहीं 90 के दशक में इरफान ने कई फिल्मों में काम भी किया। लेकिन इरफान खान को पहचान मिली द वॉरियर फिल्म से। जी हाँ, लंदन के रहने वाले एक निर्देशक आसिफ कपाड़िया की ये फिल्म थी और इस फिल्म के बाद इरफान पर ध्यान दिया जाने लगा था, उनको असली पहचान मिलने लगी थी। इसके बाद साल 2003 में फिल्म आई मकबूल। इस फिल्म में इरफान के साथ एक्ट्रेस तब्बू थी और इसके बाद लगातार लाइफ इन अ मेट्रो, रोग, स्लमडॉग मिलीनियर, पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स जैसी फिल्में देखने के बाद हर कोई इरफान की एक्टिंग का दीवाना हो गया। जहां एक ओर इरफान खान ने इतनी हिट फिल्में दी बॉलीवुड को तो वहीं इरफान खान हर जगह पर अपनी एक्टिंग के लिए छा गए थे। लेकिन इरफान खान ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि ये इतना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके करियर में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उनका चेहरा। अपने एक पुराने इंटरव्यू में इरफान ने खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में उनका चेहरा लोगों को विलेन की तरह लगता था, जो जहां भी काम मांगने जाते निर्माता और निर्देशक उन्हें खलनायक का किरदार ही देते थे, जिसके चलते उन्हें करियर के शुरुआती दौर में सिर्फ नेगेटिव रोल्स ही मिले थे। लेकिन उनकी पहचान और दमदार एक्टिंग ने इस चुनौती का सामना किया और इसके लिए उन्होंने छोटी बजट की फिल्मों में हाथ आजमाया और बाद में इरफान खान एक सुपरस्टार के तौर पर उभर कर आए। और इस तरीके से इरफान खान ने बॉलीवुड में नाम कमाया और इसके बाद धीरे धीरे हॉलीवुड तक छा गए इरफान खान। सो दोस्तों, आपको इरफान खान के बारे में जानकर कैसा लगा ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।